दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों आज हम बहुत ही खास लोकेशन पर आए हैं जहां पर आपको ग्रीन एरिया बहुत शानदार मिलने वाला है। स्पेनिश स्टाइल के साथ आपको यहां पर घर मिलने वाले हैं। 250 से 250 गज के आपको अपार्टमेंट्स यहां पर मिलेंगे और विद लिफ्ट्स आएंगे स्टेट पर, आपके सारी पार्किंग रहेगी। अगर आपको ग्रीनरी से प्यार है और आपको लगता है कि हमने लो राइज में घर लेना है तो ये स्पेस परफेक्टली आपके लिए है। और इसकी अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, बिल्कुल जीरकपुर में रहेगा, हाईवे के पास रहेगा और ये जो एरिया है आपका गमाडा अप्रूव्ड है। तो यहाँ पर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, गमाडा अप्रूव्ड है तो मतलब एक प्लांट सिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। और जो लैंडस्केपिंग है वो SJ कंसल्टिंग्स की तरफ से है। मैं नाम ले रहा हूँ SJ कंसल्टिंग का, तो इसका मतलब ये है कि ये खास चीज़ है। ये वो शख्स है जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति भवन की भी जो डिज़ाइन है, लैंडस्केपिंग है, वो खुद इन्होंने खुद की थी। तो इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर रोड्स रहेंगी सारे 40 से 60 फीट वाइड रहेंगी, स्ट्रीट लैंप्स जो रहेंगे ऑटोमेटिक रहेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। जितने भी आपके अपार्टमेंट्स रहेंगे सारे के सारे पार्क फेसिंग रहेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों बाकी की चीज़ें अंदर चल कर बढ़ के देखते हैं कैसी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम अभी अपने अपार्टमेंट के पास पहुँच चुके हैं। अपार्टमेंट के आसपास आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर बनाया गया है। तो ग्रीनरी अगर हमें शुरू से नज़र आने लग जाए तो मज़ा अलग ही हो जाता है। और बता दो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्लब हाउस होगा वहाँ पर आपके पास प्रॉपर आपके जिमनेजियम यहाँ पर रहेगा, इनडोर भी और आउटडोर भी, मतलब कि ओपन जिम भी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। उसके अलावा जो होगा हमारे पास योगा मेडिटेशन के लिए भी अलग से एक स्पेस हमें मिलेगी, पार्टी हॉल हमें यहाँ पर अच्छा सा मिल जाएगा। और प्लस एक खास चीज़ है हमारे इस अपार्टमेंट में कि हमारे पास जो रूफ़ है टॉप फ्लोर में, तो वहाँ पर हमें जो होगा 500 स्क्वायर फीट की जो स्पेस होगी हमें ग्रीन गार्डन वाली जो मिलने वाली है यहाँ पर, तो हमारी जो चीज़ है वो कहीं वेस्ट नहीं होगी। लिफ्ट्स हमारे पास लगी होगी। तो बढ़ते थोड़ा सा अंदर की तरफ, बिल्कुल स्पेनिश स्टाइल के साथ पूरी चीज़ बनाई गई है, एक अलग ही चीज़ है। यहाँ पर हमारी लिफ्ट्स आ जाती हैं स्ट्रिप में, वैसे आपके सारे पार्किंग एरिया रहेगा और आपकी लिफ्ट्स रहेंगी। और जो हमारी स्टेयर्स है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी अच्छे स्टेप्स है, सारा ग्रेनाइट यहाँ पर लगा हुआ है और हैवी जो है आपका आयरन की रेलिंग यहाँ पर हमें पूरी मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि एक मजबूत चीज़ हमें लाइफ लॉन्ग मिलती है यहाँ पर। एक थोड़ा सा आगे हम अपने अपार्टमेंट के पास आ चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर जो अपार्टमेंट रहेगा आमने सामने ही हमारे दो रहेंगे अपार्टमेंट्स, यहाँ पर ज़्यादा कोई रश नहीं रहेगा। और जो हमारा ये अपार्टमेंट है यहाँ पर जो है हमारे पास एक सर्वेंट क्वार्टर भी बिल्कुल मिलेगा, तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा अगर घर बड़ा है तो लाजमी है कि हमारे पास शायद एक सर्वेंट भी हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर एक क्वार्टर हमें यहाँ मिल जाता है। और अगर हमें सर्वेंट क्वार्टर की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे ऑफिस में, या जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वो अलग से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम हमें अलग से मिल जाएगा यहाँ पर। और ठीक इस तरफ रहेगा हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि 8 फीट की हाइट है, काफ़ी अच्छी हाइट है, वाइड है। आपका बड़ा हैवी जो मटेरियल होता है या हैवी जितना भी फर्नीचर है इजीली अंदर आएगा हमारे पास। तो ओपन करते हैं, देखते हैं यार कैसा अंदर से है। बाहर से तो काफ़ी शानदार चीज़ है और जैसे ही अंदर आते हैं यार हमारे पास एक बिल्कुल लग्जरी, एक शानदार लग्जरी आइटम हमें यहाँ पर पूरी देखने में मिलती है। और हो भी क्यों ना यार, ऐसी चीज़ है बिल्कुल अलग चीज़, तो हमें मिलना एक लग्जरी चीज दिखनी तो एक लाजमी चीज है। काफी अच्छी हमारे पास यहाँ पर स्पेस है हमारे ड्राइंग एरिया की, ये 15x13 की हमारी सिर्फ पीए वाली स्पेस है। तो 15x13 का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास जो हमारा सोफा सेट है आप इजीली 7 सीटर लगाएं, उससे बड़ा लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर चीज को इजीली हम मेंटेन कर देते हैं। जब हमारे पास स्पेस अच्छी होती है तो उसे जैसे यूज करें वो कर सकते हैं। और ठीक मेरे इस तरफ जो है हमारा टीवी पैनल यहाँ पर लगा है, ठीक है। वैसे हमारा डेमो अपार्टमेंट है तो यहाँ से इसके एक आइडिया हो जाता है कि हम यहाँ पर क्या कुछ रख सकते हैं। यूजली अगर खाली अपार्टमेंट हो तो कई बार आइडिया नहीं हो पाता है,
तो यहाँ पर एक बड़ा सा आप टीवी लगाएं, अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, गेस्ट के साथ मूवीज का या किसी भी चैनल का मजा लें। और ठीक हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो आ जाती है, आप समझ सकते हैं विंडो को ओपन करते ही हमारे पास जो है सनलाइट भरपूर पूरी है यार, पूरे घर के अंदर काफी अच्छी। हमारे पास एक रनिंग बालकोनी है बड़ी सी, आप जैसे यूज करना चाहें वैसे इसे कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बालकोनीज हो तो उसके रहने का या उसे यूज करने का मजा ही कुछ अलग होता है। दोस्तों ड्राइंग के साथ ही हमारे पास आया था हमारा डाइनिंग एरिया जो कि काफी अच्छी स्पेस है। यहां पर जो हमारे पास स्पेस रहने वाली है वो 16x13 की है, तो स्पेस हमारे पास यहां भी जो है वो पूरी रहेगी, कमी हम आपको कहीं पे भी नहीं होने देंगे। तो एक अच्छी स्पेस के साथ हमें पूरा डाइनिंग एरिया यहां मिलने वाला है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर आपका डाइनिंग टेबल लगाया है, साथ में आपकी चेयर्स लगाई हैं, और ये नॉर्मल टेबल नहीं है जो हम देखते हैं हमारे घरों में यूजली जो होता है, उसके जो हमारी सीट्स होती हैं या फिर जो साइज होता है थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा थोड़ा सा बड़ा लगाया है। उसके बाद भी हमारे पास स्पेस इतनी अच्छी है कि आप अलग से जो है चेयर्स साइड पे अगर लगाना चाहते तो वो लगा सकते हो। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ स्पेस की कोई कमी नहीं होगी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपको मिलेगा। और एक और खास चीज़ यहाँ पर हमें मिल जाती है जो हमारे खास करके काफ़ी दोस्त हैं जिनके हर बार मन में होता है एक कॉमन वॉशरूम, क्योंकि वो हर बार हमारा गेस्ट जो है हमारे बेडरूम से होकर जाए तो हमें कई बार नहीं पसंद होता, तो यहाँ पर हमारे पास एक वॉशरूम आ जाता है जो कि आपका कॉमन रहेगा, आपके बेडरूम के साथ अटैच भी रहेगा और गेस्ट के लिए भी रहेगा। काफ़ी अच्छा साइज़ है, अच्छा डिज़ाइन है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको वॉशरूम पर हम दोबारा से आते हैं, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आगे की चीज़ जो किचन है। बड़ी लाजवाब सी किचन है, टू साइड है, ओपन है। डिजाइन इस घर का जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आपने अभी तक जितने डिजाइन देखे होंगे वो इसके आसपास शायद ही आपने अभी तक देखा होगा। और यहां से हमारी जो है किचन वो शुरू हो जाती है और टू साइड रहेगी, तो टू साइड का मतलब ये भी होगा कि जो ड्राई और वेट कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। और साइज की बात करूं तो ये 15x7.5, तो ये काफी अच्छा साइज हो जाता है। हाँ, ये 10 फुट की भी अगर किचन होती है तो काफ़ी अच्छी निकल आती है, अगर 15 फिट है तो आपकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सारा सामान यहाँ पर रख लेता हूँ जैसे यहाँ पर आपके सामने लगाया भी हुआ है, तो उसके बाद भी जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अगर 3 लेडीज़ भी यहाँ पर काम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक इसमें एक आइडिया दिया हुआ वर्किंग ट्राइंगल, यहाँ पर आपका जो है फ्रिज आ गया, माइक्रोवेव वगैरह आ गया, और सेकेंड इस तरफ आपका जो हॉब आ गया, और ठीक इस तरफ ट्राइंगल का तीसरा कॉर्नर आपका जो है डबल सिंक आ गया। तो आपके अगर 3 लेडीज भी एक बार एक टाइम पे यहाँ पर काम कर रही है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जितना भी ब्रांड यूज किया गया है हैतिक क्या है, एक अच्छा ब्रांड है, ब्रांड का भरोसा आपको यहाँ पर पूरा मिलता है। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ तो यार कि सिर्फ ब्रांड की बात नहीं होती, उसके अंदर जो काम है उसको हम ज्यादा देख सराहते हैं। बड़े बड़े आपके कॉलम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप जैसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हो, जितना हैवी मटेरियल आप यहाँ पर रखना चाहते हो उसको उतना रख सकते हो। ऊपर भी आपका सारा हैंडल लेस रहेगा, काफ़ी बड़ी बड़ी आपकी स्पेस है, कैबिनेट्स आपको यहाँ मिलते हैं, तो आपके जितने जार्स हैं वो सारे अंदर ही आएंगे, कोई चीज़ बाहर नहीं रहेगी। शेल्फ हमारी जो रहेगी वो सारी ग्रेनाइट की रहेगी, एक अच्छा डिज़ाइन है, देखिए कोई कट नहीं है कहीं पर भी, कोई लाइन आपको नज़र नहीं आएगी, सीधी यहाँ से वहाँ तक सिंगल पीस है। बहुत कम जगह पर हमने देखा है कि एक सिंगल पीस लंबा सा यहाँ लगा हो, हर जगह एक कट पड़ा होता है। ठीक आपके इस तरफ जो है एक अच्छा सा आपका टाइल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया। देख शुरू से अभी तक हम जितने भी देख रहे हैं कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ओवरवर्क किया हो, एक चीज जो है वो हमें बड़ी अच्छी सी मिल रही है। ऊपर की तरफ से हमारे पास कैबिनेट्स पूरे रहेंगे और नीचे भी स्पेस हमारे पास पूरी रहेगी, तो कहीं पर भी कोई कमी हमें यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। डबल सिंक हमें मिलेगा, डबल सिंक के साथ हमारे पास टैप रहेगा, एक आरओ यहाँ पर हमें मिल जाता है,
और जितने भी आपके यूटेंसिल्स हैं वो हम धोकर सीधा ऊपर रखें, और जितना पानी यहाँ से नीचे आ जाएगा तो हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर कि कहीं पर पानी गिर रहा है या फिर पैरों के साथ निशान पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसका यहाँ पर ध्यान रखा गया, और यही वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम जो घर लेते हैं तो कभी हमें फिक्र नहीं होता कि हमने कोई चीज़ गलती की या कुछ रह गया। प्रॉपर आपको स्पेस मिलेगी, स्पेस के मामले में यहाँ पर इतनी अच्छी स्पेस है आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और किचन्स में खासकर यही चीज़ होती है, जब आप खाना बना रहे हो तो आपके पास स्पेस या वेंटिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास हमारी एक यूटिलिटी बालकनी आ जाएगी, आप खोलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टैप्स आ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें यहीं पर आ जाएंगी, तो आप जैसे इसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। और ना खास हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिनको लगता है कि हमने इंडिपेंडेंट हाउस लेना है लेकिन हमारी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी नहीं हो रही या मैच नहीं हो पा रही हैं। जैसा कि आपको गार्डन कहीं नहीं मिलता हाउसिंग के बीच में, आपको क्लब हाउस कभी नहीं मिलता, जिमनेजियम के लिए आपको बाहर कहीं जाना पड़ता है, एक अच्छी सोसाइटी नहीं मिल पाती, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती हैं। और जो स्पेस है हमारे पास वो वाकई बड़ी शानदार, एक अच्छी खासी स्पेस हमें यहाँ मिल जाती है कि हमें कभी फील ही नहीं होता कि हम कैसी जगह पर रह रहे हैं। दोस्तों ठीक इसके इस तरफ हमारे पास हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, काफी अच्छी स्पेस है। अंदर आते ही हमारे पास एक स्पेस आती है जो कि 15 फीट बाय 10 फीट की है, तो 15 बाय 10 अपने आप में एक बयान करती है कि यहाँ पर जो साइजेस हैं वो वाकई बड़े लाजवाब हैं। आप बेड लगाइए और बेड के साथ ठीक जैसे यहाँ पर आपके लिए चेयर रखी है वो लगाइए, ताकि आपका जितना सामान है इजिली आप यहाँ पर रख सकें, चेयर पे नहीं वैसे आप यूज कर सकते हैं इजिली स्पेस को। पूरा प्रॉपर साइज आपका बेड का यहाँ लग जाता है, और ठीक आपके बेड के सामने हमारा जो टीवी पैनल पूरा आ जाएगा यहाँ पर, तो जो बेडरूम के मज़े होते हैं वो पूरे आते हैं। और इसके अलावा जो हमारी एक बालकोनी है वो हमारे पास इस बेडरूम के साथ मिल जाती है, बड़ी सी बालकोनी है हमारी, बड़े बड़े खिड़कियां दरवाजे। और दोस्तों बता दूं आपको, जो जितने भी यहाँ पर अपार्टमेंट हमें मिलने वाले हैं वो आगे पीछे ओपन रहेंगे, तो यहाँ पर हमें कभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वेंटिलेशन या लाइट कभी कम हो सकती है, कभी भी नहीं। आपके पीछे भी स्पेस रहेगी अच्छी खासी और आगे भी। रोड्स क्योंकि यहाँ पर 40 फीट की रहेंगी, 40 से 60 फीट की, तो मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑलमोस्ट जितने भी घर होंगे तकरीबन वो सारे आपके पार्क फेसिंग के आसपास ही आ जाएंगे, तो जैसे होता ना फ्रेश एयर, ग्रीन एरिया अगर मन में होती है ख्वाहिश तो वो तकरीबन आपकी यहीं पर पूरी होने वाली है। वार्डरोब्स आपको हर रूम के अंदर मिलेंगी एक अच्छे साइज के साथ, और जो हमें वॉशरूम यहां पर मिलने वाला वो अटैच रहेगा, एक अच्छा साइज और एक अच्छा डिजाइन ये हमें यहां पर मिलने वाला पूरा। सीलिंग की हाइट तक आपकी जो है टाइल्स पूरी जाती हैं, खिड़की आपको मिल जाती है ताकि आपके अंदर जो ह्यूमस या पूरी ना हो। और एक डिजाइनर जो है आपको वॉश बेसिन यहां पूरा मिलने वाला है, एक अच्छा कलर कॉन्सेप्ट आपको यहां पूरा मिल जाता है। पूरे घर के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, कहीं पर भी ना ओवरवर्क कहीं नहीं नजर आता, जो चीज की है वो एक्चुअल में है, वो प्रैक्टिकल सी चीज आपको नजर आती है यहां पर। एक अच्छी सैनिटरी, एक अच्छा ब्रांड हर जगह यूज किया गया है, एक अच्छा भरोसा आपको पूरा मिल जाता है। और यहाँ की बात ही क्या कहनी, यहाँ पर हर चीज में आपको भरोसा पूरा मिलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। इस घर के हमारे पास छोटी सी स्पेस यहाँ पर ही आ जाती है, अगर इसको हम पूजा स्पेस की तरह यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपको ठीक लगे। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि कोई चीज यहाँ पर हल्की फुल्की चेंज करनी है, ऑल्टरेशन करनी है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा, उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है हमारे दोस्तों के मन में होता है कि अगर ये ऐसी होती या ये वैसी होती तो ज्यादा अच्छा लगता, तो आपका मन है हम ऐसी या वैसी हर तरह की कर देंगे, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, और जैसे हम यहाँ पर आते हैं स्पेस हमारे पास यहाँ पर भी बेहतरीन है, और जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे हमारे रूम साइजेस थोड़े से बड़े होते रहेंगे। ये 15 बाय 11 का आ जाता है, अगेन 15 फीट है, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। फ्लोरिंग आपको यहाँ पर जो मिल रही है सारी वुडन है, अगर आपको लगता है कि हमें वुडन डिज़ाइन में टाइल्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा।
लाइट्स हमारे घर के अंदर पूरी रहेंगी। एक अच्छा सा बेड आप लगाएं, बेड के बैक पे आपके पास एक अच्छा सा डिज़ाइन और बिल्कुल सामने जो है आपका टीवी। तो अगर आप थके हुए हैं, शाम को घर आते हैं जॉब से, तो आप मज़े ले सकते हैं अपने चैनल्स के, अपने बेड के ऊपर बैठकर आराम से। एक जो शाही फील होती है ना अपने घर के अंदर आने के बाद, वो यहाँ पर आपको पूरी आने वाली है। उसमें यहाँ पर कोई कमी नहीं आएगी आपके पास। यहाँ पर भी हमने चेयर्स लगाई हैं, साथ में एक छोटा सा टेबल लगा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्पेस जो हमारे पास है वो कैसी, कितनी अच्छी है। इसको आप जैसे भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितने भी विंडोज़ आपको यहाँ मिलेंगे सारे के सारे UPVC मिलेंगी। बालकनीज आपको हर जगह अटैच मिलेंगी, आपकी कोई भी विंडो ऐसी नहीं रहेगी या कोई रूम ऐसा नहीं रहेगा जहां पर आपके पास फ्रेश एयर ना आती हो, नेचुरल लाइट ना आती हो। हम आपको घर वो देंगे जहां पर आप एक बार इन्वेस्टमेंट की आपने और लाइफ लॉन्ग आपको कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हमने कभी कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पर आपकी वार्डरोब्स पूरी मिल जाएंगी, अगर कुछ चाहते हुए चेंजेस हो तो वो हो जाएंगी, इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल ठीक हमारे इस तरफ जो है हमारा वॉशरूम जो कि अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ, एक अच्छे साइज के साथ आपको पूरा वॉशरूम मिलेगा। सीलिंग की हाइट तक आपको जो है पूरी टाइल्स मिलती हैं। कलर्स अगर आपको लगता है थोड़े बहुत चेंज करने तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जितनी चीज यूज की गई है वो ऑलरेडी बड़ी डिसेंट है, देखकर वैसे बड़ा मजा आता है। वॉल हैंगिंग सीट आपको मिलती है एक अच्छे डिजाइन के साथ, ब्रांड का भरोसा आपको रहेगा हर जगह पर। दोस्तों घर हम आपको वही देंगे जहां पर आप सालों साल हमें याद रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी जो कमाई है वो बहुत मुश्किल से हुई है, बहुत मेहनत से आपने कमाया, तो उसका जो एक एक पैसे का हिसाब वो आपको यहां पर मिलने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हमें मिलती है कि हमारे जितने भी रूम्स हैं वो सारे सेंट्रली हमारे ड्राइंग या डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्टेड है। तो ये बड़ा अच्छा सा एक तरीका होता है कि आपकी जो लाइट है वो हर रूम से यहाँ तक पहुँचती है, हर रूम से जो वेंटिलेशन या हवा है वो यहाँ तक पहुँचती है, तो पूरे घर के अंदर जो सर्कुलेशन रहता है, वेंटिलेशन रहती है, वो बड़ी अच्छी रहती है। बहुत सी जगह पर हमने ये देखा ये चीज़ें मिसिंग होती है, बहुत छोटी है लेकिन बड़ी मोटी है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ इस घर के, और बिल्कुल यहाँ भी आप अंदर आते हैं तो आपको एक बड़ा सा बेडरूम साइज मिलता है जो कि 15x11 का है, एक अच्छा साइज जहाँ पर आप जिसको जैसे यूज करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। और हल्की सी अगर मैं यहाँ पर कर्टन हटाता हूँ तो पूरे घर के अंदर यार लाइट ही लाइट आ जाती है, तो पूरे घर के अंदर आपको लाइट और वेंटिलेशन की किसी रूम में पूरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक अच्छा नजरिया, एक अच्छा तरीका रहने का वो यहां पर आपको मिलने वाला है। एक यहां भी आप बेड के साथ अगर कुछ और जो चीजें रखना चाहते हैं तो आराम से रख सकते हैं, हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक सामने आपका जो है टीवी पैनल, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर शाम को घर आते हैं तो IPL का मैच चल रहा होता है, तो मन भी ऐसा होता है कि एक बार लेट के हम एक ही जगह लेट के ना पूरे मैच के मजे लें, तो वो फीलिंग जो होती है ना वो यहाँ हमें पूरी आने वाली है। और दोस्तों जो यहाँ हमारे पास यहाँ इस बेडरूम के साथ बालकनी हमें मिलने वाली है वो भी आपके रनिंग मिलेगी, और काफी बड़ी बालकनी है जो हमने शुरू में देखी थी, एक अच्छा साइज। विंडोज आपके सारे जो है UPVC की है और टफन यहाँ पर लगा हुआ, तो यार 95% जो होता है आपके साउंड कैंसलेशन है, बाहर जितना मर्जी शोर हो रहा हो आपको यहाँ कभी फिक्र नहीं होती। वार्डरोब्स आपको हर रूम के अंदर यहाँ मिल जाती हैं। एक अच्छे साइज और अच्छे डिजाइन के साथ है पूरा आपका ध्यान रखा गया है कि कोई भी चीज आपकी बाहर ना रहे। आपको कॉलम्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, नीचे भी काफ़ी कॉलम्स हैं, और इसमें भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ और करना है तो वो हो जाएगा। यहाँ पर डबल लेमिनेशन रहेगी तो आपके पास एक भरोसा रहेगा
कि आपकी जो वुड है वो कभी यहाँ पर खराब होने वाली नहीं है। तो दोस्तों कॉलम स्ट्रक्चर है, कॉलम स्ट्रक्चर में वैसे भी आपकी कोई चीज खराब नहीं होती, वो सालों साल चलने वाली चीजें होती हैं। और ठीक दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आता है हमारा कॉमन वॉशरूम जो कि हमारा ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड है। ये वो वॉशरूम है जो हम आपको फर्स्ट शुरू में ही हमने आपको दिखाया था। ये काफी अच्छा डिजाइन आपको यहाँ मिल जाता है वॉशरूम के अंदर। कलर्स आपके बड़े अच्छे यूज यहाँ पर किए गए हैं, सोबर से कलर्स है सारे घर के अंदर। और सीलिंग की हाइट तक आपकी जो पूरी टाइल्स यहाँ पर रहती है, पूरा ब्रांड आपको यहाँ पूरा मिलता है सैनिटरी के अंदर। दोस्तों एसी की जो फिटिंग है या एसी के जो डक्टिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पर की गई है, तो आपको सिर्फ यहाँ लाकर अपने जो यूनिट्स हैं वही यहाँ पर लगाने हैं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम आपको जो चीज़ देंगे तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी ही देंगे यहाँ पर, सिर्फ आपको अपना फर्नीचर और जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वो लेकर आने हैं। दोस्तों कई बार हम ऐसे घर देखते हैं जिसको देखते ही हमारे मन में से एक आवाज निकलती है जिसे बोलते हैं बस चख लो, तो शायद घर ये आपको भी ऐसा ही लगा हो। अगर ऐसा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हाउसिंग डिजाइन हैं या वीडियोज हैं वो आपके कहीं मिस ना हो पाए। तो दोस्तों ऐसा अपना प्यार हमें देते रहिए, ऐसे घर और हम आपको लाते रहेंगे। और इस वीडियो के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस घर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे लूँगा इसके साथ ही, सत श्री अकाल।